और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और धामपुर में हुए नवी कक्षा के छात्र के मर्डर मामले में लगाए गए जाम को खोल दिया गया और परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। आज मृतक लड़के के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। सड़क को जाम किए जाने की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन नहीं माने, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोग डीएम को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। एसपी ग्रामीण और एसडीएम मौके पर पहुंचे और पब्लिक को समझा बुझाकर मना लिया गया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपकी सारी बातें हम मान रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, जो चीज़ हमारे कानून कायदे दायरे में जो हमारे अधिकार में उसको हम पूरी बात मान रहे हैं। आप प्रशासन का सहयोग करिए, आपके साथ कदम पे कदम खड़ा मिलेगा, लेकिन अब इस तरह से अगर आप जिद करके करोगे तो फिर तो दिक्कत आपके लिए भी होगी। ऐसा नहीं कि आप नियम कानून कायदे से बाहर हैं, आप रोड जाम कर रहे हो ज़्यादा देर, अभी हम आपके साथ ठीक है सिंपैथी है, चलो ठीक है भाई आप पॉली भी हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती ना बातें। सर आप डीएम को बुलाइए, डीएम साहब बाहर हैं, एसडीएम साहब आ गए हैं, देखिए एसडीएम साहब ने कह दिया। ऐसा है, मैं एसडीएम आ गया हूँ, डीएम की तरफ से आ गया हूँ और नगीना का मैं डीएम ही हूँ, जो मैं निर्णय लूँगा वही होगा। डीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन है, डीएम साहब हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कानून का साथ दो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो, मैं और हम सब लोग आपके साथ हैं और 24 घंटे आपके साथ हैं। देखो दुर्भाग्य से बहुत बुरी घटना है, दुर्भाग्य से हो गई, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आपका ये दायित्व बनता है सबका, पूरे गाँव वालों का सबका, कि सब आपके साथ रहें। देखो दुख तो होता है जब कोई हत्या होती है, तो मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन अब इसका भी कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा पूरा अनुरोध है, डीएम साहब की तरफ से ही अनुरोध है, कि आप लोग जो है इसको आगे पुलिस का पूरा सहयोग करें, पुलिस आपके साथ है, ठीक है। ये महेंद्र जी हैं मेरे साथ, ये देखो, और सब आपके नेता लोग हैं, यही लोग अगुवाई करेंगे।